हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, जो कि जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उन्होंने भी जो है बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया, और इतने लंबे समय के बाद जो है उनकी मूवी, बहुत सी मूवी जो है सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही, अच्छी खासी चली, और ये देखने को नज़ारा मिला लॉकडाउन में, जो कि 1.5 साल से मूवी उनकी सूर्यवंशी लटकी हुई थी। तो लॉकडाउन में जो है जब वो मूवी लगी दोस्तों, वो क्राउड देखने को मिला, पब्लिक देखने को मिली, जो कि अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार ने ला के दिखाया, और पब्लिक आई, और थिएटर मालिक भी खुश रहे। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार के ही बारे में, कि एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, भूल भुलैया, जो कि बहुत अच्छी खासी चली थी, कॉमेडी मूवी थी, और साउथ की रीमेक थी, साउथ के में जो कि रजनीकांत सर काम किए हैं उसके जगह पर हिंदी रीमेक में जब ये मूवी बनी, तो इसमें अक्षय कुमार सर को लिया गया था, और एक एक्टर और हैं जो कि उनका जो है अभी उनका रहना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब जो है डायरेक्टर ने सेकंड पार्ट बनाने के लिए मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार नहीं है, बहुत गलत है। तो कार्तिक आर्यन को लिया गया है, विद्या बालन है इसके अंदर, लेकिन कार्तिक आर्यन के ऊपर क्या ये भूल भुलैया मूवी चलेगी? तो दोस्तों, बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से भूल भुलैया जो है अक्षय कुमार के वजह से फर्स्ट पार्ट चली थी, और परेश रावल सब लोग थे, अच्छे खासे उसको मेंटेन किए थे और काम किए थे, कॉमेडी किए थे, राजपाल यादव थे, सब लोग थे, अच्छा खासा चला था मूवी, चली भी थी, सबको मालूम है, और जहां तक हो सके सुपरहिट थी मूवी। तो दोस्तों, अब जो ये मूवी है शूटिंग भी चालू हो चुकी है, कुछ हो भी मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है, चाहे ये साल आए चाहे अगले साल आए, लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से अक्षय कुमार थे भूल भुलैया फर्स्ट पार्ट में जो है कमाल की थी, कार्तिक आर्यन उतना खरे नहीं उतरे। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।